हमारे साथ हैं हॉनरेबल पद्मश्री अवार्डेड डॉक्टर कई मेहता सर, इंडिया के बेस्ट डॉक्टरों में नाम आता है सर का, आई स्पेशलिस्ट हैं सर। आज जिस तरह से न्यू जेनरेशन बच्चों को जाड़े जाड़े चश्मे लग रहे हैं, उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? ये बात यह है कि क्यों उनको लग रहे हैं चश्मा इस कारण से लग रहे हैं क्योंकि रात के टाइम को 9:30 बजे के बाद में नज़दीक का काम करने में ज़्यादा जोर लगाते हैं। ये अभी तकलीफ ज़्यादा शुरू हो गई थी कोविड जब आया उसके बाद में, क्योंकि कोविड के टाइम में लोग पूरा दिन और कुछ काम तो था ही नहीं, पढ़ने का ही काम था। और ये बच्चों में ये हमेशा ये नाटक रहता है। बच्चों को ये कहना चाहिए कि 9:30 बजे के बाद में TV देख सकते हैं, कुछ भी नज़दीक का काम ना करें तो हो सकता है कि नंबर बढ़ने का शक्यता बहुत कम है। और आजकल एक नया ड्रॉप भी निकला है, एट्रोपिन बेस्ड ड्रॉप है, वो एक बूंद रात को 9:30 बजे डाल दोगे तो नंबर वहीं अटक जाता है, हिलता नहीं है। लेकिन ये नज़दीक के पढ़ाई के कारण से ये तकलीफ ज़्यादा हो रही है जी। आई को लेके, आँखों को लेके, डायबिटीज़ में और कुछ प्रॉब्लम्स है या कैंसर्स वगैरह या किडनीज़ के ऊपर कोई प्रॉब्लम है सर? डायबिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ही होता है क्योंकि डायबिटीज़ जो होता है वो पर्दे के ऊपर शुगर उतर जाती है और उस उतरने के कारण से वहाँ पे खून की नाड़ियाँ जो होती हैं, खून की नाड़ियाँ उखड़ जाती, खुलती है और वहाँ से लीकेज होता है और वहाँ के अंदर वो सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट्स आते हैं जिसको कहते हैं हम एक्सुडेट। एक बार ये एक्सुडेट स्पॉट्स आने लग जाएँ फिर उसके बाद में जो ट्रीटमेंट आप ना करें तो वह वहाँ पर फाइबरस टिश्यू फॉर्म होकर वह पर्दा वहाँ से उखड़ना चालू होता है। इसलिए हमेशा ये हम कहते हैं डायबिटीज़ के लिए दो चीज़ है, एक शुगर कंट्रोल करो, और ये फास्टिंग शुगर को कंट्रोल करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। हमें क्या चाहिए, 2 घंटा लंच के बाद 160 के नीचे शुगर रहना चाहिए, 160 फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। दूसरा ये कि एक बार शुगर चालू हो जाए तब उसको हिसाब से दवाइयाँ चालू करके वहीं अटकाना चाहिए, वहीं अटक जाएगा तो फिर साल पर साल निकल जाता है, तकलीफ नहीं होती है, या तो आप उसको बढ़ने देते हैं तो फिर तकलीफ हो जाती। क्या होता है कि लोग कहते हैं कि मेरे दोस्त को तो 250 शुगर है, उसको कोई तकलीफ नहीं हुई, मैं क्यों परवाह करूं जी। इसमें ये चक्कर में वो फंस जाते हैं और फिर आँख को डैमेज हो जाती है। शुगर को हमेशा बहुत बहुत संभाल के संभालना पड़ता है क्योंकि ये शुगर आँख में एक बार उतर गई है फिर हमेशा दिक्कत चालू हो जाती है। सर आपके पास हमने सुना है कि कुछ एक न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन आई है और आप लंदन से भी लेक्चरर रह चुके हैं, और के चश्मा हटने के लिए ऐसी कोई मशीन आई है सर कि आप लेज़र वगैरह करते हैं और चश्मा हट जाता है? हाँ जी, लेज़र करने से 2-3 किस्म के लेज़र आ गए जी। एक तो हम कहते हैं जो लेसिक किरण, लेसिक किस्म का क्या होता है कि आँख को 180 डिग्री काटा जाता है, उसको फ्लैप बनाया जैसे ढक्कन की तरह और लेज़र लगाते हैं, उसको लेसिक कहते हैं। लेकिन आजकल जो नया तरीका आया जो हमारे पास है उसको स्माइल कहते हैं, उसमें फ्लैप खोला ही नहीं जाता है, सिर्फ 2 मिलीमीटर मतलब कि जैसे रुपये का एक कॉइन होता है उसकी जो थिकनेस होती है उसके हिसाब से वो उतना ऊपर पासा खोला जाता है और उसके अंदर के ज़रिए से पूरा किया जाता है, उसमें कुछ आँख को पता नहीं लगता है। और ये बिग एडवांटेज ये होता है कि किसी को पता नहीं लगता कि आपने किया या नहीं किया। आजकल बॉलीवुड की जो एक्ट्रेसेस होती हैं आजकल कैमरा बहुत हाई रेजोल्यूशन के आ गए हैं और जो आप लेसिक करो तो वो रिंग दिख जाती है, इसलिए उनके लिए तो यही तरीका जो स्माइल है इससे चल जाता है। लेकिन इससे एक और नया तरीका जो आया है जिसमें केराटोकोनस कहते हैं ना, जिसमें आगे की आँख की कमज़ोरी हो जाती है, पुराने दिनों में उन केसेस को हम कॉर्निया ग्राफ्ट करने पड़ता था, आजकल वो चेंज हो गया, आजकल उसको स्टफिंग करते हैं, मतलब कि जो कॉर्निया पतला हो जाता है वो उसके लेयर के बीच में ही दूसरा लेयर लगा देते हैं, जैसे सैंडविच बना देते हैं, तो फिर वो निकल जाता है, फिर उसके बाद ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। और एक और नया इंस्ट्रूमेंट हमारा आया है जिसको कहते हैं एवेड्रो, एवेड्रो होते हैं जो आगे की जो बारी कमज़ोर होती है वो एक फ्लैप उठा के उसके ऊपर रेज लगाए जाते हैं और रेज से वो कॉर्निया को मजबूत किया जाता है, फिर वो तकलीफ बढ़ जाती है। सर एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, क्या आप 80 क्रॉस है उसमें भी सर अक्सर हम सोचते हैं कि आप उसमें भी बाकायदा प्रॉपर आप ऑपरेशंस कर लेते हैं, हजारों पेशेंटों को देख लेते हैं, सर उस पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं है, वो तो उम्र तो है तो सिर्फ नंबर ही कहा जाता है। लोग मुझे पूछते हैं अब रिटायर कब होने वाले हैं जी, मैं उनको कहता हूँ मैं रिटायर होऊंगा तो मैं क्या करूँगा, मैं और ड्राइंग रूम में बैठूंगा दोस्तों को आने के लिए कि इंतज़ार करूँगा, यहाँ पे मैं कमरे में बैठा हूँ मेरे पास दोस्तों वैसे ही आके मिल जाते हैं, तो मुझे रिटायर होने की क्या ज़रूरत है।
और आखिर में जिस इंसान को अपना काम की प्लेजर होती है, मजा आता है, उसमें तो कोई रिटायरमेंट की बात है ही नहीं ना। रिटायरमेंट होती है जो काम आपको करना पड़ते, जो आपके दिल ना करे करने के लिए, आप जग से करना पड़े उसमें आप रिटायर, जो प्यार से करते उसमें क्या रिटायरमेंट होता है। तो इतने डॉक्टर के मेहता सर, लेकिन सर को लोग के मेहता के नाम से ज्यादा लोग जानते हैं, और पारसियों में सर जिस हिसाब से एक टॉप लेवल पे, लंदन हो, अमेरिका हो, हमारी खुश नसीब है इंडिया, भारत देश की, के सर वहां पे जाते हैं, लेक्चरर अटेंड करते हैं, ये हमारे मुंबई करों के लिए भी बहुत ही खुशनसीबी बात है। हमने स्क्रीन के ऊपर सर का अपॉइंटमेंट नंबर दिए हैं, तो प्लीज जिन्हें भी कॉन्टेक्ट करना है, अपॉइंटमेंट तो अक्सर फुल रहता है, लेकिन वो लोग ये नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोलाबा में इनका जो क्लिनिक है। और एक आपको चीज बता दूं मैं कि सर जो है एक अलग, जो ब्लाइंड लोगों की एक संस्था होती है, सर ने अक्सर छुपा के रखते हैं, लेकिन मुझे गुप्त तरीके से पता चला वर्ली वगैरह में, और मैं वहां जाके देखा, बड़े दिल को खुशी हुई। तो हम ये कहना चाहेंगे कि सर के हाथों में जो शिफा कहें, और जो भी आज कह लें कि 83 इयर्स की उम्र में आज भी सर शाहरुख खान दिख रहे हैं आपके सामने, हमारी खुशनसीबी है कि ये जो हेल्पफुल जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी जिस तरह से ये हेल्प करते हैं, वो मालिक जानता, गॉड जानता, ये जानते हैं, लेकिन हमने वो बात मालूम कर लिए। इसकी वजह यही है कि आज इनके पास बड़े बड़े कई फॉरेनर लोग भी इंडिया में आते, मुंबई जैसे शहर में इनसे इलाज करवा के जाते। हमारे मुंबई कर्ज के लिए, इंडिया के लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है। मुंबई से साजिद कुरैशी, एडिटर सुप्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।